तृणमूल कांग्रेस की ओर से मैं ये जिक्र करना चाहूंगी कि हमारे नेता जो है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने गरीबों के लिए अपना जीवन बिताई है। जब से राजनीति की आंगिना में उन्होंने पैर रखा तब से उनका काम ही हुआ है पिछड़े हुए लोग, गरीब लोग और महिलाओं को भी आगे ले जाना। और इसी के जरिए तो उन्होंने वादा किया था कि ये जो गरीब है 21 लाख के करीबन, जो इतना गरीब है कि इनको गांव में जाके मिट्टी काटने का काम या कहीं सड़क बनाने का काम जो मनरेगा के अंदर आता है, इसका जो पैसा केंद्र नहीं दे रहा है ये जुझारू है और इसके लिए लड़ाई जारी रखेगी। और ये भी आप देखिए कि केंद्र में जो सरकार बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के, ये गरीब के लिए नहीं सोचता। और मई 2022 से लेके कितने बार हम लोग गए हैं, मिनती किए हैं, हमारे सांसद और जो साधारण संपादक है सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से, उनके नेतृत्व में हम लोग जाति के जनक महात्मा गांधी के राजघाट में जो समाधि है वहां भी हम लोग धरना में थे। जंतर मंतर के बाद जब मंत्री महोदय से वक्त लेके हम लोग गए कृषि भवन, बड़ा बर्ताव किया गया सांसद लोगों के साथ। और पैसा के लिए, गरीब के पैसा के लिए लड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, वो गरीब के पैसा के लिए हमें वो कोई भी आश्वासन नहीं दिया, लेकिन हमारा लड़ाई जारी था। और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिना बताए पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, जो खेती में काम करते हैं, जो किसान हैं, उनके लिए लड़ते रहे और तीन गुना कर दिया उनका। जब वो आए थे सत्ते पे तब इनका रोजगार था 90,000 के करीबन, अभी हो गया 3 लाख के करीबन। ये तो लिखा हुआ है, ये तो कागज में है, ये तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार को दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बोले जा रहे हैं काम नहीं करते हैं, गरीब के लिए कहीं भी काम नहीं करते हैं। और गरीब को अत्याचार करना, महिलाओं पर हमला बोलना इनका आदत बन गया है। और जब बारों बार हम लोग दरख्वास्त करते रहे, जिक्र करते रहे कि ये गरीब के पैसा, ये जो कानून 2005 में बना था मनरेगा का, उसमें है कि जितने हुए पिछड़े हुए लोग हैं जिसको हाथ में काम नहीं है, साल भर में 100 दिन का काम होना चाहिए और उस काम से इसका घर चलेगा 100 दिन साल में, और 15 दिन काम खत्म होने के बाद उनको पैसा मिल जाना चाहिए 15 दिन के अंदर। अभी बंगाल के ऊपर उसका इतना गुस्सा है क्योंकि हमारे नेता को वो खत्म नहीं कर सकते हैं राजनीतिक तौर पर, कि बंगाल के लोगों पर हमला बोल रहे हैं, बंगला के गरीब पर हमला बोल रहे हैं और मजदूर पर हमला बोल रहे हैं। वो सोचते हैं अगर पैसा नहीं दिया तो ये लोग उनके खिलाफ आ जाएंगे, लेकिन ये होने वाला नहीं है क्योंकि मेरा नेता ममता बनर्जी जो वादा करती है वो करती है, करके दिखाती है। और ऐसे ही उन्होंने कल एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि 21 फरवरी तक जो 21 लाख लोग ऐसा बिना पैसा के मजदूरी किए बैठे हुए हैं घर चलाने का खर्चा के लिए, केंद्रीय सरकार की ओर मुंह देख रहे हैं, उनका पैसा उनके बैंक में पहुंच जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने की है, उनको मैं नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ। और ये भी जिक्र करना चाहती हूँ कि ये जो बजट हुआ अभी इंटरिम, इसको बजट नहीं वोटर अकाउंट्स, उसमें जो अलॉटमेंट किया गया मनरेगा के लिए उसमें बहुत कटौती हुई, 42% कटौती हुई। हमें जितना पैसा उसमें अलॉटमेंट होना चाहिए था उससे कई गुना कटौती करके, कि उसके मतलब क्या है, केंद्रीय सरकार भाजपा सरकार सिर्फ 60,000 करोड़ रुपया उस एलोकेशन में दिया है, मतलब ये जो
100 दिन का कानून बना था 2005 में, वो 100 दिन का काम ये लोग को नहीं मिलने वाला, सिर्फ 40 दिन का काम मिलने वाला। उसके मतलब गरीब के पेट में लात मारकर भारतीय जनता पार्टी अपना सत्ता बचाने का कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए ही काम करते हैं, अपने जो धारणा है कि गरीब को वो ऐसा करके मार सकते हैं पेट में लात, लेकिन ये नहीं होने वाला है। पश्चिम बंगाल में तो नहीं, उन्होंने दूसरे दूसरे जगह में कभी ऐसा अत्याचार नहीं किया, लेकिन पश्चिम बंगाल के गरीब का पेट में लात मारने के लिए ये पैसा जो रोके रखा है हमारे नेता ममता बनर्जी ने, वो पैसा 21 तारीख को उनके बैंक में भेजकर उनके लड़ाई में खड़े उतरे, उनके पास खड़े उतरे और उस गरीब को उन्होंने सहायता दिया है, इसीलिए हम उनके चरण छूते हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से मैं यही जिक्र करना चाहूंगी कि हमारे नेता जो है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने गरीबों के लिए अपना जीवन बिताई है, जब से राजनीति की आंगिना में उन्होंने पैर रखा तब से उनका काम ही हुआ है पिछड़े हुए लोग, गरीब लोग और महिलाओं को भी आगे ले जाना। और इसी के जरिए तो उन्होंने वादा किया था कि ये जो गरीब है 21 लाख के करीबन, जो इतना गरीब है कि इनको गांव में जाके मिट्टी काटने का काम या कहीं सड़क बनाने का काम जो मनरेगा के अंदर आता है, इसका जो पैसा केंद्र नहीं दे रहा है ये जुझारू है और इसके लिए लड़ाई जारी रखेगी। और ये भी आप देखिए कि केंद्र में जो सरकार बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के, ये गरीब के लिए नहीं सोचता। और मई 2022 से लेके कितने बार हम लोग गए हैं, मिनती किए हैं, हमारे सांसद और जो साधारण संपादक है सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से, उनके नेतृत्व में हम लोग जाति के जनक महात्मा गांधी के राजघाट में जो समाधि है वहां भी हम लोग धरना में थे। जंतर मंतर के बाद जब मंत्री महोदय से वक्त लेके हम लोग गए कृषि भवन, बड़ा बर्ताव किया गया सांसद लोगों के साथ, और पैसा के लिए, गरीब के पैसा के लिए लड़ रहे तृणमूल कांग्रेस, वो गरीब के पैसा के लिए हमें वो कोई भी आश्वासन नहीं दिया, लेकिन हमारा लड़ाई जारी था। और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिना बताए पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, जो खेती में काम करते हैं, जो किसान हैं, उनके लिए लड़ते रहे और तीन गुना कर दिया उनका। जब वो आए थे सत्ते पे तब इनका रोजगार था 90,000 के करीबन, अभी हो गया 3 लाख के करीबन। ये तो लिखा हुआ है, ये तो कागज में है, ये तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार को दिखाई दे रहा है।